मतलब बहुत सारे ड्राइंग में बहुत ऐसा कुछ है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 साल 3 साल 4 4 साल से वर्क कर रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से ड्राइंग देखने नहीं आता। आज के डेट में भी वही हाल है, जैसे हुआ था ना, होता था ना, जैसे क्लास में टीचर मास्टर साहब बताते थे कोई क्वेश्चंस, तो 80% बच्चों को कम समझ में आता था, और उसमें से 10 से 15% होते थे या 20% वही जो थोड़ा अच्छा समझ पाते थे। तो सेम हाल यहाँ भी है, यहाँ पे ड्राइंग के पीडीएफ भी है, हार्ड कॉपी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि सर ड्राइंग के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग डिप्लोमा और उसके बाद 4 4 साल पढ़ाई करके भी जो कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग डिप्लोमा भी करके आए हैं, उनके पास पीडीएफ भी है, लेकिन फिर भी उनको ड्राइंग देखने नहीं आता। तो उनको ड्राइंग देखने न फिर भी उतना नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको नहीं आता है। सो एनी वे, हाँ मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये कि सबको नहीं आता, ये ऐसा नहीं है, मतलब अधिकांश लोगों को नहीं आता, बहुत कुछ लोग हैं 10 15 20% जिनको थोड़ा अच्छा ड्राइंग देखने आता है, बाकी सब एवरेज ही है, जैसे तैसे काम चल रहा है। तो अगर आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोफेशनल होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देख रहे हैं ये है फ्लैट नंबर 17, वैसे तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, तो फ्लैट नंबर 17 में क्या है मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसको 2 पार्ट में करके या 3 पार्ट में करके बनाऊँगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वीडियो मिलने वाला है, ओके। और अगर और बेल का आइकन भी दबा दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, बट कुछ ना कुछ रिएक्शन आप दें, ओके। तो चलिए मैं आपको बता दूंगा, जैसे ये आप देख रहे हैं डीबी, यहाँ पे ये है डीबी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और दूसरा है ये सीजेबी यानी कि कम्युनिकेशन जंक्शन बॉक्स। तो डीबी में क्या आता है, पावर और लाइटिंग की सर्किट आएंगी, और सीजेबी में क्या आता है कि जो भी टीवी टेलीफोन डेटा इंटरनेट के जो भी पॉइंट होते हैं ना, उसके सारे का केबल यहीं पर आएगा, ये तो आप समझ गए ना। अब चलिए हम मास्टर बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर बेडरूम ये हो गया ना एम बेडरूम, जिसकी लंबाई चौड़ी यहाँ पे दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए एम बेडरूम के हम टॉयलेट से स्टार्ट करते हैं, ओके। क्योंकि देखिए टॉयलेट में बहुत बार होता है कि बहुत लोगों को ड्राइंग में जैसे बहुत सारा पॉइंट होने की वजह से बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सामने का जो पॉइंट है ना, ये है आपका गीजर, और ये जो बगल में ये पॉइंट है ये है प्लम्बर का क्या बोलते हैं वो शावर, यहाँ पे शावर लगेगा, तो वहाँ से कोई पाइप आप न लेके जाएं, ऊपर से लेके जाएं, ठीक है। नहीं तो वो पाइप को तोड़ देंगे ना शावर के लिए, फिर पाइप को आपको तोड़ देंगे, आप ऊपर से घुमा कर लेके जाएं अगर ले जाना हो इधर उधर तो, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये आप जो सामने यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये है आपका वाश बेसन, और वाश बेसन के ऊपर एक लाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मिरर लाइट है, तो वहाँ पे मिरर लाइट की एक जेबी लगेगा, और उसके राइट साइड में यहाँ पे एक 4 मॉड्यूल का बॉक्स लगेगा जिसमें एक स्विच और एक सॉकेट होगा, और फिर एक स्विच और होगा जो कि मिरर लाइट का कंट्रोल होगा, तो यहाँ पे 4 मॉड्यूल का बॉक्स लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, तो ये है एग्जास्ट फैन, एग्जास्ट फैन के लिए यहाँ पर सीलिंग रोज लगेगा, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर एक जेबी लगाएं। और दूसरा चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं ये वॉल लाइट है, वॉल लाइट के लिए यहाँ पे एक जेबी लगेगा, और उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना गीजर एग्जॉस्ट फैन और लाइट के लिए यहाँ पे ये कंट्रोल आ रहा है, यहाँ पे 3 मॉड्यूल का बॉक्स लगेगा, हो गया। और उसके बाद इस लाइट से एक पाइप यहाँ तक आएगा इस पोजीशन पे, ठीक है, और भी यहाँ पे भी ये क्या लगाना है, स्विच सॉकेट और एक लाइट है बस ओनली, तो इसका भी ये काम हो गया, ठीक है। और मैं आप लोग एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो बाथरूम है ना, तो बाथरूम में आपका 4 इंच वाल आ रहा है, जो वाल है ना ये 4 इंच है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं इस फ्लैट्स में 4 इंच 6 इंच और 8 इंच का वाल यूज हुआ है, ठीक है, जो कि अब बहुत लोगों को ये मालूम भी नहीं है, क्योंकि देखिए अपडेट हो रहा है बार बार, बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं, ठीक है। 9 इंच का वाल था, अब 8 इंच का भी वाल हो रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है, ठीक है।
अब ये जो मैं जिस फ्लैट्स के बारे में बता रहा हूँ, ये रनिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, अभी इसका प्रोजेक्ट अभी तो इनकम्प्लीट है, बहुत सारा काम बाकी है। अब ये देखिए एम बेडरूम है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर से 1680 लेफ्ट साइड से 1680 और फिर उसके बाद 2315 mm का मेजरमेंट करें और दूसरी साइड से 1020 ऐसे करके आप दोनों डीप बॉक्स को रख देंगे। उसके बाद ये जो फैन है ना, फैन के एक साइड से 2425 और दूसरी साइड से 1400 फैन बॉक्स भी रख देंगे। फैन बॉक्स रखने के बाद दोनों डीप को मिलाइए और दोनों डीप को मिलाने के बाद एक डीप से फैन में लेके आइए, ठीक है, और डीप से एक ड्रॉप यहाँ गिराएं और ठीक है, और दूसरा डीप से इस साइड जो कबर्ड आ रहा है ना, इस साइड भी एक ड्रॉप गिरा दें, ठीक है। और क्या करें कि डीप बॉक्स से यहाँ पे भी एक पॉइंट गिरा दें जहाँ पर टीवी का ये आ रहा है ना, तो वो काम आता है, कभी कभी क्रॉसिंग होता है ना, जैसे कहने का मतलब है कि टीवी का पॉइंट लेफ्ट में है राइट में है, तो उस पोजिशन में ये काम में आता है। उसके बाद फैन से एक सामने वाली वाल पे यानी कि बेड पोजीशन में जो आ रहा है वहाँ पे एक ड्रॉप गिरा दें। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो ये है बेड का क्या सिंबल, बेड का सिंबल है यानी कि पलंग, और उसके दोनों साइड स्विच बोर्ड आ रहे हैं, टेलीफोन का भी पॉइंट आ रहा है और स्विच बोर्ड आ रहा है, इस साइड में स्विच सॉकेट और टेलीफोन का पॉइंट है, तो यहाँ पे ठीक है वहाँ पे आप ड्रॉप गिरा दें या वाल से काट के मिलाएं, क्योंकि यहाँ पे वाल में कटिंग करके मिलाया जा सकता है, और दूसरी एक इस साइड भी एक ड्रॉप गिरा दें। ये तो हो गया ना, तो ये आपका हो गया एम बेडरूम का पाइपिंग और उसी हिसाब से वायरिंग होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए आप टीवी का पॉइंट है, तो यहाँ से एक पाइप उठाएं और वहाँ सीबी तक लेके पहुँचा दें, और ये जो है क्या बोलते हैं टेलीफोन यहाँ पे है जो ना टेलीफोन, तो टेलीफोन से यहाँ से भी एक सेपरेट पाइप उठाएं और वहाँ पे जो सीजेबी था ना वहाँ पे ले जाकर पहुँचा दें, तो ये हो जाएगा टेलीफोन का भी पाइपिंग हो गया और ये हो गया। अब रूम में सर्किट का जहाँ तक मामला है ना, तो जो एसी यहाँ लिखा हुआ है यहाँ से एक पाइप उठाएं सीधे डीबी में उठा कर डाल दें, और ये जो स्विच बोर्ड का जो ये पोजीशन है ना यहाँ से एक उठाएं पाइप और इसको भी लेके डीबी में डाल दें, तो ये स्विच बोर्ड से दोनों का सर्किट आ जाएगा, यानी कि हॉल वाला भी लिविंग जो डाइनिंग लिखा हुआ है ना इसका भी सर्किट आ जाएगा और बेडरूम का भी आ जाएगा, और जो एसी का है ना तो एसी वाला में दो सर्किट जो आने वाले हैं, गीजर का भी आ जाएगा और एसी का भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे गीजर का आप सेपरेट भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे कंपनी का थोड़ा पाया भी बचेगा ना। ओके, तो ये एम बेडरूम का पाइपिंग हो गया, और इसमें और मैंने सर्किट के बारे में भी बताया, अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइए, ठीक है। और दूसरा चीज़ जैसे ये हो गया आपका बेडरूम वन, ठीक है, तो बेडरूम वन का लंबाई चौड़ी यहाँ पर दिया हुआ है, और क्या करेंगे वैसे ही 1680 और 2315 mm मेजरमेंट करें दोनों डीप बॉक्स को, और एक साइड से 800 mm मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। दोनों डीप बॉक्स को रखने के बाद आप फैन बॉक्स का मेजरमेंट करें वहाँ पर रख दें, दोनों डीप बॉक्स को मिलाने के बाद एक पाइप फैन में ले के आएँ डीप से, और वैसे ही जैसे मैंने मेन बेडरूम बताया था लगभग सेम वैसे ही इसका भी पाइपिंग होगा। और उसके बाद क्या करें, ये फैन बॉक्स से सामने वाली वाल पे यहाँ पे जो बेड का पोजीशन है यहाँ पे ड्रॉप कर दें, और दूसरा फैन से यहाँ पे डोर के बगल में ला कर ड्रॉप करें, और डीप बॉक्स से ला के यहाँ पे भी ड्रॉप करें, ये जो टॉयलेट का जो स्विच बोर्ड आ रहा है ना वहाँ पे ड्रॉप करें, तो ऐसा आप कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये बेड जो दिख रहा है ना, तो बेड यानी पलंग, तो इसके एक साइड में ही बोर्ड दिया हुआ है स्विच बोर्ड, दूसरे साइड में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, ड्राइंग के अनुसार ही करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि दूसरा साइड में अपने मन से बोर्ड लगा दें, क्योंकि जहाँ जैसा दिया रहता है वैसे ही करना होता है, ठीक है। और ये तो हो गया ना, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर भी एक बोर्ड लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो सर्किट है ना, तो सर्किट के लिए जैसे अभी सॉरी मैं जो ये डीप को मिलाने के बताया ना, तो क्या करें सामने हर वाल पे ड्रॉप गिरा दें, ठीक है। होने के बाद
उसके बाद क्या करें, स्विच बोर्ड जो गेट के बगल में, ये गेट हो गया ना यानी कि डोर, तो डोर के बगल में एक स्विच बोर्ड आ रहा है, यहाँ से एक सर्किट का पाइप लेके जाएं, यहीं से सर्किट का वायर जाएगा, और दूसरा एक पाइप और उठाएं क्योंकि एसी और गीजर भी आना है ना इधर, ये टॉयलेट है, तो यहाँ से उठाएं और सीधे डी में डाल दें, ठीक है। जैसे एसी का 4 mm का आएगा और क्या बोलते हैं गीजर का 2.5 आएगा, तो उठा के आप डाल दें वहाँ पे डीवी में, तो ऐसे करके इसका वायरिंग भी होगा, ठीक है। इसमें 2-way कंट्रोल भी है क्योंकि यहाँ पे हर बेडरूम में 2-way कंट्रोल ही आ रहा है, डोर से लाइट और एक लाइट और फैन का 2-way कंट्रोल होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको इस टॉयलेट में भी बता दूँ, बाथरूम में, ये बाथरूम का जो वाल है ना, ये 4 inch का वाल है। अब यहाँ बाथरूम में क्या है, ये है गीजर का पॉइंट, ये हो गया शावर का पॉइंट, ये हो गया वाश बेसन का पॉइंट, ये हो गया वाश बेसन के बगल में जो स्विच बोर्ड आएगा स्विच सॉकेट का उसका पॉइंट, और ये एग्जॉस्ट फैन का जो सीलिंग नोजल लगेगा वो हो गया, और ठीक है। और यहाँ पे सीट आ रहा है, क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश सीट है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सीट, और उसके बाद आउटडोर यूनिट उसके बाहर में आ रहा है, तो वहाँ पर आउटडोर यूनिट रहेगा, ठीक है। और टॉयलेट में आपका एक ही लाइट है, एक लाइट टॉयलेट में दिया हुआ है, तो आप, मैंने तो यहाँ पे बता ही दिया कि अब क्या आप करेंगे कि टॉयलेट में पाइप अगर लेके जाएं तो थोड़ा सा ऊपर से लेके जाएं, या फाल सिली होगा ना तो ऊपर से क्लिप द्वारा ठोक के लें या जैसा भी लें, या अगर कटिंग भी कर रहे हैं ना कटिंग चिपिंग, तो थोड़ा सा ऊपर से लेके जाएं ताकि टच ना होगा, जैसे शावर का पॉइंट आएगा तो आप नीचे से लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, तो ऊपर से लेके जाएंगे शावर के से ऊपर का हो, गीजर का भी पाइप जाएगा तो गीजर के भी पाइप से ऊपर का हो। अब गीजर का पाइप, अब हर बाथरूम में ये प्लम्बर वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा, अदरवाइज प्लम्बर वाले आपके पाइप को तोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा वो कोई बात नहीं है, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है। तो ऐसे करके इसका भी ये हो गया, और ये है जो देख रहे हैं, ये है BZ यानी कि बजर, घंटी जो बजता है ना बेल वाली वही है। तो ये तो हो गया, और दूसरा ये है एक लाइट पॉइंट जिसका हॉल से कंट्रोल है। डियर फ्रेंड, अगर ये ड्राइंग आप लोग को चाहिए ना, तो आप इंस्टाग्राम के आईडी डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम के लिंक, तो वहाँ से जाएँ और वहाँ पर जाके भेजें, फ्लैट नंबर 17 लिख के मैसेज करें, मैं आपको ये ड्राइंग भेज दूंगा, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे और सारे अगर मैसेज आएंगे तो मैं कैसे समझूंगा कि हाय लिख के भेजने वाले को मैं क्या भेजूंगा, तो ऐसे ही आप फ्लैट नंबर 17 लिख के भेजें, मैं आपको ये भेज दूंगा। और दूसरा चीज़, एनीवे जो भी हो, अगर आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं, अगर आप अपने फील्ड में थोड़ा सा एक अच्छा करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप बोलेंगे उसी टाइप का मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।